अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए कहा कि तंबू उखड़ने वाला है। झंडुता विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बैठी में भाजयुमो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अनुराग ठाकुर ने भाजयुमो के सम्मेलन में युवाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आतंकवादियों से तुलना करते हुए कहा कि जब जब आतंकवादियों को भारतीय सेना से हार का डर होता है तो वो अपने कैंप छोड़कर भाग जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के बालकोट में भी हुआ है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए कहा कि आतंकवादियों की तरह कांग्रेस नेताओं को जब हार का डर स्थाने लगता है तो दक्षिण भारत का रुख कर चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए कहा कि आतंकवादियों की तरह कांग्रेस नेताओं के जब हार का डर स्थाने लगता है तो दक्षिण भारत का रुख कर चुनाव लड़ते हैं। जब कांग्रेस पार्टी को लगा कि उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ेगा तो राहुल गांधी केरल के जब कांग्रेस पार्टी को लगा कि उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ेगा तो राहुल गांधी केरल के बाड़मेर संसदीय चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़े। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां मर्जी से चुनाव लड़ लें, भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर पुनः सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी प्रत्याशी को उनके मुकाबले में उतारे जनता ने चौथी बार चौका मारकर उन्हें सांसद बनाने का इरादा कर लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनता को अनेक जनहित की योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस दौरान झंडुता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जे आर कटवाल, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां एक और पाकिस्तान की बोलती हमारी सेना ने बंद कर दी, मोदी सरकार के निर्देश पर भारतीय सेना ने जिस तरह से बालाकोट से आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, आतंकवादी भाग खड़े हुए, अब कुछ लोग अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह भाग रहे हैं। उनका इतिहास देखिए, पूर्व में भी उनके पार्टी के बड़े नेताओं ने जब जब चुनाव हारने की स्थिति आई तो दक्षिण का रुख किया है। अब एक बार फिर ये संदेश कांग्रेस ने दिया है कि उनके बड़े नेता के चुनाव पर संकट है और दक्षिण की ओर भागने की तैयारी। आपके मुकाबले में कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस को तय करना है जब किस उम्मीदवार को तय करना है। हम अपनी उपलब्धियों को लेकर मोदी सरकार ने जो 5 वर्षों में करके दिया है, मैंने सांसद के नाते जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड कार्य किए हैं, हम इन दोनों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जयराम जी की सरकार ने जो 1 वर्ष में प्रदेश में किया उसको जनता को बता रहे हैं, और मुझे खुशी है 35 करोड़ बैंक खाते खोलने, 22 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस करवाना, 16.5 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में ऋण उपलब्ध करवाना, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 12.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया महीने का देना, 45 करोड़ मजदूरों को 3,000 रुपये महीने की पेंशन देना, 2 करोड़ पक्के मकान बनाकर देना, 10 करोड़ शौचालय देना, 8 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर देना, और भारत को एक मजबूत सरकार और आतंकवादियों के छक्के छुड़ाना, ये किसी ने किया है तो केवल नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और लोग, जनता दमदार प्रधानमंत्री चाहती है, ईमानदार चाहती है, तो वो ईमानदार चौकीदार नरेंद्र मोदी जी के रूप में। अच्छा अनुराग जी, अदर देन मोदी, आपकी क्या प्रायोरिटीज है हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के लिए आने वाले 5 साल? मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स, PGI, दो मेडिकल कॉलेज तीनों जिलों के लिए 500 बिस्तर के अस्पताल, 21 करोड़ रुपए के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल तीनों जिलों के लिए डायलिसिस की सुविधा, शिक्षा के क्षेत्र में IIIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, तो 5 केंद्रीय विद्यालय 100 करोड़ रुपए की लागत से ये मंजूर करवाए, और सड़कें गांव-गांव में सैकड़ों नहीं 1,000 करोड़ रुपए की मंजूर करवा दी, तीनों जिलों के लिए रेलवे लाइन दिला दी। अब प्रायोरिटी है इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करवाने की, और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिले, टेम्पल टूरिज्म हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, इसको लेकर अब काम किया जाएगा, क्योंकि आधारभूत ढांचे के हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मंजूर करवाए। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरे होने शुरू होंगे
उसके साथ साथ टूरिज्म को हम बढ़ावा देने की एक नई शुरुआत करेंगे, जिससे रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर निकलेंगे।